नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स सेकेंड के छठवें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के न्यूमेरिकल का पार्ट वन बताऊंगा। अगर आपने थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पहले न्यूमेरिकल की जगह पे कुछ बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। एन प्रकार के सिलिकॉन में जो है कौन सा प्रकथन सत्य है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला लिखा है इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तो इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया बी पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तो ये भी गलत है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्पसंख्यक वाहक नहीं है, ये बहुसंख्यक वाहक हैं। इसके बाद तीसरा दिया गया है होल फिर वीवर, अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तो एन प्रकार सिलिकॉन के लिए ये सी पॉइंट जो दिया गया है ये सत्य होगा, यानी कि होल वीवर अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तो यहाँ पर पहले के लिए ये तीसरा पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा पॉइंट आपका सत्य होगा। अब इसके बाद जो डी नंबर दिया गया था इसमें लिखा है होल वीवर बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तो अगर यहाँ पर एन प्रकार की जगह पे पी प्रकार दिया गया होता तो इसके लिए ये डी पॉइंट जो है वो सही हो जाता। तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर दो यानी कि 14.2, तो इसमें दिया गया कि अभ्यास 14.1 यानी कि पहले क्वेश्चन में दिए गए कथनों में से कौन सा पी प्रकार अर्धचालक के लिए सत्य है। तो ध्यान दीजिए वही चीज़ आ गई इसमें, यहाँ पर कह रहा है पी प्रकार अर्धचालक के लिए सत्य है। तो पी प्रकार अर्धचालक के लिए इसका डी पॉइंट अभी बताया गया था कि अगर एन प्रकार है तो इसके लिए तीसरा पॉइंट, और अगर पी प्रकार होगा तो इसके लिए डी, यानी कि होल वीवर बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। तो ये पी प्रकार अर्धचालक के लिए सत्य हो जाएगा, इसका डी पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन, इसमें दिया गया है कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में चार संयोजक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर तीन दिए गए हैं कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम और प्रत्येक में जो है चार संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है जो क्रमशः ई जी और फिर बाहर लिखा है सी सी, यानी कि ये हो जाएगा कार्बन का ऊर्जा अंतराल बैंड। इसके बाद एस आई यानी कि ये हो जाएगा सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल बैंड, और इसके बाद ये ई जी यहाँ पर जी ई लिखा है यानी कि जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल बैंड के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन जो होगा वो सत्य होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन है यानी कि कार्बन का जो ऊर्जा अंतराल बैंड होगा वो सबसे अधिक होता है और जर्मेनियम का जो ऊर्जा अंतराल बैंड होता है वो सबसे कम होता है। तो कार्बन का सबसे अधिक होता है और जर्मेनियम का सबसे कम होता है, तो आपको ये टॉपिक इसमें पहचानना है। तो ध्यान दीजिए इसका सी पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बन का ऊर्जा अंतराल बैंड जो है वो ग्रेटर देन फिर लिखा है सिलिकॉन, यानी कि ये सिलिकॉन से अधिक है और सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल बैंड जो है वो जर्मेनियम से अधिक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर कार्बन का ऊर्जा अंतराल बैंड जो होगा वो सबसे अधिक और जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल बैंड जो है वो सबसे कम। तो यहाँ पर ये इसका तीसरा पॉइंट यानी कि सी पॉइंट जो है वो सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं क्योंकि एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं। ये गलत है, ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं, ये भी गलत है। फिर लिखा है पी क्षेत्र में होल सांद्रता और एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक होती है, तो ये पॉइंट सही है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर जो है वो विसरित हो जाते हैं। तो क्यों विसरित होते हैं, क्योंकि पी क्षेत्र में होल सांद्रता जो है वो एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए पी क्षेत्र में जो है एन क्षेत्र की ओर विसरित हो जाते हैं। तो इसका सी पॉइंट जो होगा वो सत्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच दिया गया कि जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह, यानी कि जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस जो है वो अनुप्रयुक्त किया जाता है तो उस समय विभव रोधक जो है वो कम कर देता है ये। तो इसमें विभव रोधक कम कर देता है, ये आप ध्यान दीजिए किस पॉइंट में दिया गया है, पॉइंट नंबर सी। तो इसका पॉइंट नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस
प्रयुक्त किया जाता है, अनुप्रयुक्त किया जाता है तो विभव रोधक को जो है ये कम कर देता है। इसका सी पॉइंट जो है वो सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है कि ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि ट्रांजिस्टर की क्रिया के लिए कौन से कथन सही। तो ध्यान दीजिए, पहला लिखा है आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों की आमाप और अपमिश्रण सांद्रता समान होनी चाहिए, तो ये गलत है। फिर दूसरा दिया गया है इसके बाद आधार क्षेत्र बहुत बारीक और कम अपमिश्रित होना चाहिए, तो ये पॉइंट सही है। इसका बी पॉइंट कि आधार क्षेत्र जो है वो बहुत ही बारीक और कम अपमिश्रित होना चाहिए। इसके बाद सी दिया गया कि उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायस है और संग्राहक संधि पश्चदिशिक बायस है, तो ये भी कथन इसका सही है कि उत्सर्जक संधि जो है वो अग्रदिशिक बायस है और संग्राहक संधि जो है वो पश्चदिशिक बायस है। इसके बाद डी पॉइंट में लिखा है कि उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायस हैं, तो ये गलत हो जाए क्योंकि अभी आपको बताया गया कि उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायस है और संग्राहक संधि जो है वो पश्चदिशिक बायस है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर बी यानी कि आधार क्षेत्र बहुत बारीक और कम अपमिश्रित होता है, ये सही हो जाएगा। और इसके बाद सी पॉइंट यानी कि उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायस है और संग्राहक संधि जो है वो पश्चदिशिक बायस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए उल्टता लब्धि, किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए जो है उल्टता लब्धि सभी आवृत्तियों के लिए समान रहती है, ये गलत है। उच्च और निम्न आवृत्तियों पर उच्च होती है तथा मध्य आवृत्ति परिसर में अचर रहती है, ये भी गलत है। इसके बाद दिया गया है कि उच्च और निम्न आवृत्तियों पर कम होती है और मध्य आवृत्तियों पर अचर रहती है, तो ये जो है सही है। इसका सी पॉइंट जो है वो सही होगा। तो किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए उल्टता लब्ध जो है वो उच्च और निम्न आवृत्तियों पर कम होती है और मध्य आवृत्तियों पर अचर रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है अर्ध तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसमें दिया गया है कि अर्ध तरंग दिष्टकरण में जो है यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर आपको अर्ध तरंग दिष्टकरण में जो है वो निवेश आवृत्ति दी गई है और निर्गम आवृत्ति क्या होगी ये ज्ञात करना है। इसके अलावा दिया गया है कि समान निवेश आवृत्ति हेतु, यानी कि अगर समान निवेश यानी कि यही निवेश है तो समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर अर्ध तरंग दिष्टकरण की निवेश आवृत्ति दी गई है, निर्गम आवृत्ति ज्ञात करनी है और फिर समान निवेश आवृत्ति हेतु जो है यानी कि इसी आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गम आवृत्ति भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको निवेश आवृत्ति यानी कि 50 हर्ट्ज दी गई है, तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें निवेश आवृत्ति दी गई थी 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है अर्ध तरंग दिष्टकरण हेतु, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकरण हेतु जो है वो निवेश आवृत्ति बराबर निर्गम आवृत्ति, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकरण हेतु जो है निवेश आवृत्ति जो है वो निर्गम आवृत्ति के बराबर होती है। यानी कि जब हम लोग निर्गम आवृत्ति ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निर्गम आवृत्ति बराबर 50 हर्ट्ज, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि निर्गम आवृत्ति जो है वो अर्ध तरंग दिष्टकरण है तो निवेश आवृत्ति के बराबर होती है, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद पूर्ण तरंग दिष्टकरण के लिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे, तो पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु, तो पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु जो निर्गम आवृत्ति है यानी कि निर्गम आवृत्ति बराबर 2 गुणे निवेश आवृत्ति, इसका मतलब है कि पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु जो है वो निर्गम आवृत्ति जो है वो निवेश आवृत्ति की 2 गुना होती है। तो यहां पर हम लोग निर्गम आवृत्ति जब ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे और निवेश आवृत्ति समान थी, यानी कि इसका मान भी हो जाएगा 50 हर्ट्ज, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 100 हर्ट्ज, तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु जो है निर्गम आवृत्ति हो जाएगी। और अर्ध तरंग दिष्टकरण हेतु निर्गम आवृत्ति 50 हर्ट्ज और पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु निर्गम आवृत्ति 100 हर्ट्ज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है सीई ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, सीई ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया सीई यानी कि कॉमन इमिटर, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक हेतु जो है 2 किलो ओम, तो यहाँ पर 2 किलो ओम लिखा है कि संग्राहक प्रतिरोध, तो ये संग्राहक प्रतिरोध दिया गया है कि सिरों पर ध्वनि उल्टता 2 वोल्ट है। मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक 100 है, यदि आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम है तो
तो निवेश संकेत सिग्नल, यानी कि तो निवेश संकेत जिसे सिग्नल बोलते हैं, उल्टता और आधार धारा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको निवेश संकेत उल्टता और आधार धारा जो है वो दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया, ध्यान दीजिए, पहले 2 किलो ओम संग्राहक प्रतिरोध, यानी कि संग्राहक प्रतिरोध को लिखते हैं RC से, तो RC बराबर दिया गया 2 किलो ओम, ये संग्राहक प्रतिरोध। इसके बाद 2 वोल्ट जो है ध्वनि उल्टता दी गई है, इसको लिखते हैं V0 से, 2 वोल्ट हो जाएगा। फिर धारा प्रवर्धन गुणांक यानी कि बीटा दिया गया, बीटा बराबर हो जाएगा 100। फिर आधार प्रतिरोध यानी कि RB बराबर 1 किलो ओम। तो इसमें आपको निवेश संकेत उल्टता और आधार धारा जो है वो ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें संग्राहक प्रतिरोध दिया गया था, यानी कि इसको लिखते हैं RC से, 2 किलो ओम। तो किलो को ओम में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2×10³ ओम, इतना हो जाएगा। इसके अलावा आधार प्रतिरोध दिया गया था, यानी कि RB, इसको लिखा गया था 1 किलो ओम। 1 किलो ओम यानी कि आप लिख सकते हैं 10³ ओम, इतना हो जाएगा। इसके अलावा आपको दिया गया था बीटा, यानी कि धारा प्रवर्धन गुणांक, इसका मान था 100। और आपको विभव दिया गया था V0 यानी कि 2 वोल्ट, इतना दिया गया था। और आपको निवेशी सिग्नल उल्टता यानी कि VI, इसका मान ज्ञात करना है VI का। और इसके अलावा आपको VI के अलावा ज्ञात करना है आधार धारा, और आधार धारा को लिखते हैं IB से। तो आपको IB ज्ञात करना है और VI ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है उल्टता लाभ का V0/VI, और बराबर होता है बीटा R0/RI। तो यहाँ पर ये निर्गत प्रतिरोध होता है और ये निवेशी प्रतिरोध होता है, तो इसकी जगह पर हम लोग β×R0 की जगह पर प्रयोग करेंगे RC, और RI की जगह पर प्रयोग करेंगे RB। तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को निवेशी सिग्नल उल्टता यानी कि VI का मान ज्ञात करना है। तो VI जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा V0, ये यहाँ पर गुड़े में आएगा, तो गुड़े में हो जाएगा RB। इसके बाद बट्टे में आएगा बीटा, और गुड़े में आ जाएगा इसके, यानी कि बीटा के गुड़े में आ जाएगा RC। तो ये इतना हो जाएगा। अब इन सभी के मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो V0 का मान हो जाएगा 2 हो गया। फिर इसके बाद गुड़े RB, इसका मान हो जाएगा 10³, फिर बट्टे बीटा, बीटा का मान दिया गया है 100, और फिर गुड़े RC, इसका मान है 2×10³। तो ये इतना दिया गया है। तो अब इसमें यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10³ से 10³ कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1/100। तो ये इतना बच जाएगा यहाँ पर 1/100। तो अब ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं VI बराबर, तो यहाँ पर 100 बचेगा, जब 2 जीरो काटेंगे तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1 0, और यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, तो VI बराबर आ जाएगा 0.01 वोल्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि निवेशी सिग्नल उल्टता हो जाएगी। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें आधार धारा ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है इसमें बीटा बराबर IC/IB, यानी कि बीटा बराबर IC/IB, और IC बराबर लिखते हैं हम लोग V0/RC, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर IB। तो ये इतना हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे V0, बट्टे में हो जाएगा IB, और बट्टे में आ जाएगा RC। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को आधार धारा यानी कि IB का मान ज्ञात करना है। तो IB बराबर जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा V0, बट्टे में IB की जगह पर आ जाएगा बीटा, और इंटू में हो जाएगा RC। ये इतना हो जाएगा। अब इन सभी के मान रखेंगे तो विभवांतर हम लोगों को दिया गया था 2, बीटा दिया गया है 100, इसके अलावा RC का मान दिया गया है 2×10³। तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 100 और गुड़े में दिया गया है 10³, यानी कि 1/, इसको आप लिख सकते हैं 10³, 3 और 2 मिलके हो जाएगा 10⁵। इसके बाद ये हो जाएगा IB बराबर, जब घात ऊपर जाएगी तो 10⁵-5, यानी कि 1×10⁵-5, इतना हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10×10⁵
10 की घात माइनस 6, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक घात जो है बढ़ जाएगी, 10 की घात माइनस 6 यानी कि घट जाएगी, तो यहाँ पर माइनस 6, तो ये मान जो आएगा वो एम्पियर में आएगा, यानी कि आप इसको अब लिख सकते हैं 10 माइक्रो एम्पियर, 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो में बदल दीजिए तो 10 माइक्रो एम्पियर, तो ये आधार धारा का मान हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है कि कोई पीएन फोटोडायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से समविरचित है, क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य का संसूचन कर सकता है। तो इसमें तरंग दैर्ध्य जो दी गई है वो 6000 नैनोमीटर दी गई है, और इसमें बताना है आपको कि फोटोडायोड जो है वो तरंग दैर्ध्य का संसूचन कर सकती है या नहीं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य दी गई है, हम लोग यहाँ पर ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। अगर ऊर्जा का मान जो है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस बैंड के बराबर यानी कि इससे कम आया अगर, तो फिर संसूचन नहीं करेगी, अगर इससे अधिक आया तो फिर संसूचन करेगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग ऊर्जा ज्ञात करेंगे और इसमें तरंग दैर्ध्य दी गई है 6000 नैनोमीटर, तो इसमें लेमडा दिया गया है 6000 नैनोमीटर, ये लेमडा का मान दिया गया है, तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6000 गुणे 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्जा ज्ञात करेंगे पहले फोटान की, तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा E बराबर एच सी अपान लेमडा, तो H का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, ये प्लांक नियतांक है, इसका मान आपको याद रखना है। इसके बाद गुणे C प्रकाश की चाल यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8, इतना हो जाएगा, और फिर लेमडा, लेमडा का मान दिया गया है 6000 गुणे 10 की घात माइनस 9, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मान जो ज्ञात होगा वो जूल में ज्ञात होगा, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 3.3 गुणे 10 की घात माइनस 20 जूल, तो ये मान प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 3.3 गुणे 10 की घात माइनस 20 को भाग करना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से, तो जब इससे भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और भाग करने पर इसका मान आएगा लगभग 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतना प्राप्त होगा ऊर्जा का मान। तो इस ऊर्जा का मान 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत ही कम है, तो वही लिखा गया कि यह फोटॉन ऊर्जा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड रिक्त 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी कम है, यानी कि बहुत कम है, अतः फोटोडायोड दी गई तरंग दैर्ध्य का संसूचन नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा कम है इसलिए फोटोडायोड जो है वो दी गई तरंग दैर्ध्य का संसूचन नहीं कर सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।